आज मैं आपको WhatsApp के ऐसे ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूँ जो गाइज शायद कोई जानता है। सो गाइज अगर आप जान जाओगे तो ये जादू हो जाएगा। सो गाइज बोलोगे शायद मुझे ये पहले पता होता है। गाइज अगर आप ये ट्रिक जान जाते तो ये हिडन फीचर WhatsApp में अपने, तो आपका ना तो कोई WhatsApp को हैक कर सकता है ना ही कोई छेड़खानी कर सकता है। सो गाइज आप अपने WhatsApp को पूरा श्योर सिक्योर रख सकते हैं। सो गाइज इसके लिए आपको सबसे पहले WhatsApp को ओपन करना है। उससे पहले मैं गाइज वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन पे ऑल का नोटिफिकेशन दबा लेना, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो डालूँ आप तक न्यू टेक वीडियो इसी तरह का पहुँचे। सो गाइज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले WhatsApp को आपन ओपन किया है। ओपन करने के बाद आपको ऊपर में 3 डॉट का क्लिक करना है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आपको इस तरह का खोलेगा, तो अपना अकाउंट को ओपन करना है। अकाउंट ओपन करने के बाद गाइज आपको प्राइवेसी लिखा हुआ प्राइवेसी पे जाना है। प्राइवेसी पे जाने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद गाइज आपको यहाँ फिंगरप्रिंट लॉग, जी हाँ गाइज आपको मैं फिंगरप्रिंट लॉग अपने WhatsApp में लगाने के लिए बता रहा हूँ अपने WhatsApp से। सो गाइज फिंगरप्रिंट लॉग को क्लिक करना, उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे इसको इनेबल है, इसको इनेबल कर देना है। तो गाइज आपको यहाँ पे कहता है कंफर्म फिंगरप्रिंट। तो गाइज आपका जहाँ भी मोबाइल में फिंगरप्रिंट है, मैं इस फ़ोन में नहीं दिखा सकता, मेरे इस फ़ोन में पीछे है, तो मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ अपना फिंगर। सो गाइज आपको जिस भी फिंगर लगाना है वो फिंगर लगा दे, तो मेरा ये फिंगर लग चुका है। सो गाइज उसके बाद आपको गाइज मैं आपको एक और सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप गाइज अगर आप WhatsApp खोलते हैं फिर बंद करते हैं, सो गाइज तो आप WhatsApp जैसे ओपन किए फिर बंद किए फिर ओपन अगर करना चाहेंगे WhatsApp, तो आपका ये लॉग लगा होगा। अगर आप इस फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, अगर आफ्टर एक मिनट के बाद तो ये, अगर 30 मिनट का तो ये, तो गाइज आपका बेस्ट होगा 1 मिनट का ही सिलेक्ट करें। सो गाइज आपका ये लॉक लगा देंगे तो आपका WhatsApp पूरा सुरक्षित रहेगा। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। गाइज अगर आप इसको फिर से इनेबल करना चाहते हैं या बंद करना चाहते हैं, तो फिर आपको सिंपली 3 डॉट पे जाना है, सेटिंग्स पे ऑप्शन पे जाना है, वहाँ से अकाउंट पे जाना है। अकाउंट पे जाने के बाद आपको प्राइवेसी पे जाना है। प्राइवेसी पे जाने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको फिंगर पे जाना है, इसके बाद इसको बंद कर देना है। अगर आपको इनेबल करना है इनेबल कर ले। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। गाइज इसी तरह के मैं न्यू टेक वीडियो लेके आते रहता हूँ इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाँ गाइज अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो गाइज मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर।